एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अपने आसपास इस सवाल को करके देखना क्या रेस्पॉन्स होता है। जब हम कहते हैं पेपर के साइज की बात करते हैं, A3, A4, A5, A6, तो A3 बड़ा होता है, A4 बड़ा होता है, A5 बड़ा होगा या A4 बड़ा होगा, A8 बड़ा होगा। तो अभी कंपेरिजन में कोई भी दोनों ले लेना और बातचीत करके देखना क्या रेस्पॉन्स करते हैं और फिर क्या वो सही होते हैं, तो आपके माइंड में क्या है। आइए चलो फिर सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो साइज को पेपर, कोई ज़्यादा नई बात नहीं है, 1992 में हमने पेपर साइज को स्टैंडर्ड किया, जर्मन के टीम से लिया। उससे पहले कोशिश कर रहे हैं, मेजरमेंट को एक स्टैंडर्ड बनाने से कुछ सुविधाएं हो जाती हैं, कन्वीनियंस हो जाती है हमारी, सिंपल इतने से रीजन के लिए। ये बहुत ही हाल ही में हमने इसको एक साइज पे हम आए हैं सेम पेज पे, 1992 के बाद जर्मन में इसे डिन स्टैंडर्ड कहा जाता था। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार के बाद सभी देशों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आप जो आपके पास A4 साइज का पेपर है जो हम सब यूज करते हैं, इसलिए हमने माना क्योंकि इस पे लिखना आसान होता है, ये जो A4 साइज पेपर, इसको अगर आप बीच में से डबल मोड़ कर फाड़ दोगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख भी रहोगे, A5 साइज का अगर आप चेंज कर दोगे तो A5 साइज का पेपर बन गया। उसको फिर आप मोड़ कर बीच में से फाड़ दोगे तो A6 साइज का पेपर बन जाएगा। उसको अगेन आप इसी तरह हाफ में से कट करते चले जाओगे, A7, A8, A9, A10, बस 10 तक, यानी A0 से A10 तक 11 पेपर की साइज है। सीरीज पेपर जो A0 होता है उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर होता है, पर वो एरिया होता है उसका, ये नहीं है वो एक स्क्वायर होगा, वो एक रेक्टेंगल ही होता है। तो इंटरेस्टिंग बात ये भी है, जो A4 साइज का पेपर है इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है, एस्पेक्ट रेशियो मतलब जब आप वीडियो बनाते हैं देखते हैं तो आप देखते हैं फोन को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करते हैं, तो ये जो रेशियो है लंबाई और चौड़ाई का, इसी को बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। ये रेशियो पूरी सीरीज के लिए फिक्स है। इंटरेस्टिंगली ये 1.414 √2, हाँ जी √2 ही रहता है, चाहे वो A0 हो, A1, A2, A3, A10 तक, सबका जो रेशो है लंबाई और चौड़ाई का वो यही रहने वाला है। तो जो हमने सवाल शुरू की थी वीडियो कि A4 और A5 में कौन बड़ा है, शायद आपको इसका जवाब मिल गया होगा। A0 सबसे बड़ा साइज होता है, जैसे जैसे हम डाउन जा रहे हैं, A1 वो उसका हाफ होता जा रहा है, A3 और छोटा, A4 यानी ओरिजिनल साइज का 1/16 हो जाता है उसका, है ना। तो इसको हम ज़्यादा यूज करते हैं, और A4 और A5 में कौन बड़ा है क्लियर ना आपको, इसीलिए वीडियो बनाई गई। आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा फैक्ट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, यूट्यूब ऑन, और अब मेरे साथ चर्चा यानी कुछ डिस्कशन जारी रखना है। विकास शर्मा एजुकेशन इस नाम से फेसबुक इंस्टाग्राम पे अवेलेबल, डिस्कशन को वहाँ पे जारी रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। जय जय।